दोस्तों, हम जैसे समाजवादियों और वामपंथियों के सबसे जो बुरे सपने थे वो सच होते दिख रहे हैं। भाजपा और के सत्ता में आने के बाद भाजपा के पीछे खड़ी आरएसएस और उसने जो दर्जनों संगठनों का निर्माण किया है या को पैदा किया है, वो सब अपना सांप्रदायिक एजेंडा बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे। आज सुबह के भाषणों में कई साथियों ने उसके कुछ पहलुओं पर बात की, थोड़ा रिपीटेशन होगा, लेकिन मैं एक कोशिश कर रहा हूं कि एक ओवरऑल तस्वीर की उनकी वो कुल मिलाकर क्या कर रहे हैं उसके विभिन्न पहलुओं को इकट्ठा रखने की कोशिश कर, लेकिन संक्षेप में रख। पहली बात तो ये कि वो अपनी सेफरन विचारधारा, अपनी हिंदुत्व की विचारधारा वो पूरे देश में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा ने जब वो कई राज्यों में सत्ता में थी तो उसी समय उन्होंने राज्य सरकारों में कोशिश की थी कि वहां पर स्कूली शिक्षा, कॉलेज शिक्षा का भव्यीकरण किया जाए। गुजरात में तो गजब ही 9 किताबें आरएसएस के लोगों की लिखी हुई, 50,000 कॉपीज हर स्कूल में बांटी गई हैं सप्लीमेंट्री रीडिंग के लिए, जिसका इंट्रोडक्शन उनमें से कई का खुद मोदी ने लिखा। वो किताबें, उनमें कहानियां इस प्रकार की हैं कि एक ऐसा राजा जो गाय की पूजा करता था ताकि उसके बच्चे हो जाएं, उसमें आरएसएस की शाखा में जाने के फायदे क्या होते हैं, उसमें यह लिखा हुआ है कि कैसे शिक्षा व्यवस्था पूरी बर्बाद हुई है कम्युनिस्टों के चलते, उसमें अनोखे अनोखे विज्ञान की बातें लिखी हुई हैं, जैसे वैदिक काल में कैसे हवाई जहाज हुआ करते थे और मोटर कारें हुआ करते थे। उन्होंने लिखा है कि ऋग्वेद में ये लिखा हुआ है, क्या बताए। और अब केंद्र में सत्ता में आने के बाद तो अब वो खुलेआम उन्होंने घोषणा कर दी है, स्मृति ईरानी ने घोषणा कर दी है कि स्कूल टेक्स्ट बुक्स में वेद और उपनिषद और अन्य हिंदू ग्रंथ इंट्रोड्यूस किए जाएं। सारे महत्वपूर्ण जो शैक्षणिक सांस्कृतिक शोध संस्थान है सभी में उनके विचारधारा के लोगों को टॉप की पोस्ट पर बिठाया जा रहा है। हाल में एफटीआई के विद्यार्थी उसी के खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़ रहे हैं। एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार आरएसएस ने 680 ऐसे टॉप पोस्ट की सूची बनाई है देश भर में जिनको उनको भरना है, लेकिन अभी तक उनको सिर्फ उसमें 107 लोग मिल पाए। तो इसीलिए अभी भी कुछ संस्थाएं बची हुई हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वगैरह, वो कोशिश कर रहे हैं कि इनमें भी अपने लोग बिठाएं, लोग मिले तब ना, कहते ही जाएंगे कुछ ना कुछ, अब चौहान मिल गया तो वो भी मिल जाएंगे। सबसे पिछड़े अवैज्ञानिक ब्राह्मणवादी मूल्यों को प्रसारित किया जा रहा है, यह अभियान खुद प्रधानमंत्री मोदी लीड कर रहे हैं। मुंबई में डॉक्टरों की एक मीटिंग में उन्होंने, आप जानते ही होंगे उनका मशहूर वाक्य कि एक इंसान गणेश के सिर पे हाथी का सिर उठाया, ये साबित करता है कि उस जमाने में प्लास्टिक सर्जरी थी। फिर वो कहते हैं कि कर्ण, महाभारत में जो कथा है कि कर्ण अपनी माँ की कोख के बाहर से पैदा हुए, ये साबित करता है कि उस जमाने में जेनेटिक साइंस थी। संस्कृत को कंपल्सरी किया गया है विद्यालयों में, बीफ को बैन किया गया है, जबकि बीफ का विरोध सिर्फ 15% उच्च वर्णीय हिंदुओं का है। यदि दलितों को, शूद्रों को, शूद्रों में से आधी जातियों, आधे लोगों को भी मान लिया जाए कि उनको बीफ से कोई परहेज नहीं है, उसके अलावा आदिवासी, मुसलमान, ईसाई सबको जोड़ लिया जाए तो 60% पॉपुलेशन है जो या तो बीफ खाती है या उसको परहेज नहीं है, लेकिन इनके ऊपर 15% लोगों के खाने की पद्धत थोपी जाए, ये उसका
एसेंस है। तो ये वो एक प्रकार का अभियान चलाए हुए हैं अपनी विचारधारा को देश के ऊपर स्थापित करने का। तो दूसरी तरफ जो सांप्रदायिक विभेद है देश में उसको वो गहरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी चालाकी से उन्होंने वो आया था, अभी जितने जिक्र किया था कि उन्होंने सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म पर डिबेट शुरू करवा दिया। यूपी में एक भयानक अभियान चल रहा है संघ परिवार का, हिंदू परिवारों में मुसलमानों के प्रति एक जहर घोलने का। आरएसएस के कार्यकर्ता, मेरे को इतना आश्चर्य हुआ पढ़कर, घर घर जाकर लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि हिंदू घरों में कि अपने बेटियों को और बहनों को मुसलमान युवकों से बढ़ाओ बचाओ, वो उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। कोसीकोड में उन्होंने कॉफी शॉप्स पे हल्ला किया जहां पर कि अलग अलग धर्मों के लोग साथ बैठकर कॉफी पी रहे थे। कोस्टल कर्नाटका में तो इतना आतंक फैला दिया है कि अलग अलग धर्मों के लोग साथ में आपस में दोस्ती करने से घबरा रहे हैं। इसको वो कहते हैं लव जिहाद, उसके खिलाफ उन्होंने ये जिहाद छेड़ा। अब दंगों के बारे में कुल मिलाकर ये समझ में आता है कि गुजरात के दंगों के बाद, जिसमें कि बहुत बदनामी हुई देश में और दुनिया भर में, उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। उन्होंने उसको, कुछ अखबारों ने, हिंदू ने बहुत अफसोस के साथ ये कहा, ये उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी निकाली है, उसको वो कह रहे हैं सस्टेनेबल कम्युनलिज्म, यानी बड़े दंगे ना हो लेकिन छोटे पैमाने पर लो इंटेंसिटी, यानी कम लेकिन कम तीव्रता वाला लेकिन लंबा चलने वाले, इस तरह के पूरा माहौल बनाया जाए। छोटे छोटे सैकड़ों दंगे किए जाए जिसमें हत्याएं ना हो, बलात्कार ना हो, लेकिन पूरी संपत्ति नष्ट कर दी जाए, मुसलमानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाए ताकि उनकी कमर टूट जाए और वो कुल मिलाकर डर से रहने लगे और इस बात को स्वीकार लें कि वो यहाँ पर दोयम दर्जे के नागरिक हैं। उन्होंने ये सार संकलन इसलिए भी किया है क्योंकि उनको समझ में आता है कि सबको तो मार नहीं सकते, तो फिर कम से कम उनको दोयम दर्जे के नागरिक बनकर रहे। इसका क्लासिक उदाहरण अभी अटाली में जो दंगे हुए हरियाणा में, ये उसका उदाहरण है। आप हिंदू में उसके लेख पढ़ सकते हैं। इससे भी भयानक, मतलब रोना आ गया ये पढ़कर, बस्तर में 50 गांव सभा पे ईसाई है माइनॉरिटीज में, बस्तर में ग्राम सभाओं ने प्रस्ताव पारित किए हैं कि ये ईसाई लोग अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते, दूसरे धर्मों के लोग यानी नॉन हिंदूज वो उनके गांव में नहीं आ सकते। यहां तक कि उन्होंने लोकल स्थानीय दुकानदारों को मजबूर किया है कि वो इन ईसाई परिवारों को अपना सामान बेचना बंद करें, ये हालत बना रखी। और इस कम तीव्रता वाले लंबे दमन के अभियान के साथ, आतंक फैलाने के अभियान के साथ, उसी के साथ संघ परिवार ने एक और अभियान छेड़ रखा है, आप जानते ही, उसका नाम घर वापसी। ये गाजर है उस दमन के विरोध में, मतलब के पैरेलल में गाजर है कि आप यदि कन्वर्ट कर लो तो शांति से रह सकते। शब्द महत्वपूर्ण है, घर वापसी, यानी जो अल्पसंख्यक है वो बाहर ही है, वो पराए हैं, उनको वापस घर में लाना। और इतना ही नहीं, वो ये कहते हैं कि वो अपवित्र है। देखिए क्या शब्द है, और इसलिए वो पूरी प्रक्रिया कन्वर्जन की उसको बोलते हैं शुद्धिकरण, कि वो अपवित्र। तो ये शब्द इस्तेमाल की जा रही, एक पूरा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, और इसको लागू करने के लिए वो किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। धर्म जागरण संसद उनकी एक संगठन है जो ये काम करती है, यूपी में उसका पत्रक बांटा जा रहा है जिसमें लिखा है कि 1,00,000 रुपए मुसलमान को कन्वर्ट करने के लिए और 3,00,000 रुपए क्रिश्चियन को कन्वर्ट करने के लिए लगेगा, लोग इसके लिए चंदा। आरएसएस से पूछना चाहिए कौन से घर की बात है, तुम इन पराए लोगों को कौन से घर में लाना चाहते हो, ब्राह्मणों के घर में या दलितों के घर। जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा था, हिंदुइज्म एक खतरा है भ्रातृत्व, भाईचारे,
और बराबरी के लिए, उसका डेमोक्रेसी से कोई मिलाप नहीं है, इट इज इनकम्पैटिबल विद डेमोक्रेसी, ये अंबेडकर खुद बोले हैं। और यही कारण है कि अपने दसियों हजारों अनुयायियों के साथ अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकारा था। तो भाई पहले अपना घर ठीक करो, फिर घर वापसी करो। आरएसएस डेमोक्रेसी को मानती है, जैसे ही ताकत पड़ने लगती है वो अपने विरोधियों को जबरदस्ती उनका दमन करने की कोशिश करती है। यही कारण है, मतलब ऐसा नहीं कि हम कांग्रेस के पक्षधर हैं, लेकिन एनएसयूआई के लोग ये नहीं करते कि कॉलेजों में जाकर लोगों को डराते हैं, मैनेजमेंट को, कि इनको लोकायत के लोगों को अंदर मत आने, ये एबीवीपी वाले करते हैं। यानी जहां थोड़ी ताकत बनी वो आतंक का माहौल पैदा करते हैं, अपने विरोधियों को कोई चांस ही नहीं देते, क्योंकि वो डिबेट चाहते ही नहीं ना। अच्छा, विज्ञान और अविज्ञान में डिबेट भी क्या होगी। यही कारण है कि एफटीआई के विद्यार्थियों के आंदोलन को कुचलने के लिए वो हर किस्म के हथकंडे अपना रहे हैं। रोज अखबारों में आप पढ़ते हैं झूठ, फरेब, उल्टे सीधे आरोप लगाना, कुछ भी करने को तैयार, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और ये जो उनका पूरा नजरिया है, ये जो पूरा रवैया है, इसी के चलते वो इनटॉलरेंस, वो असहिष्णुता पैदा होती है, वो नफरत पैदा होती है, जिससे वो गुंडे पैदा होते हैं जिन्होंने कॉमरेड पानसरे और डॉक्टर डाबोलकर की हत्या की। हम कहां पहुंच गए? हमारे पूरे देश की जो नींव है सेक्युलरिज्म की और डेमोक्रेसी की, जिस आधार पर यह देश खड़ा हुआ था, बाजू में इस्लाम पर आधारित देश बन रहा था, लेकिन इस देश के संस्थापकों ने यह वायदा किया था कि ये सेक्युलर देश रहेगा, यहां पर सब लोग बराबरी के तौर पर रहेंगे। यही कारण है कि मुस्लिम साथी इस देश में रहे, क्योंकि उन्होंने हमारी जो हमारी मतलब जो हिंदू है, अब क्या करें, अफसोस में नाम हिंदू लगा हुआ है तो लोग मानते हैं कि आप हिंदू हो। इस देश के हिंदुओं ने जो कहा कि नहीं, हम ये सेक्युलर देश बनाएंगे, और इसीलिए वो लोग यहां रहे, आज उसी की नींव पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। एक बहुत मशहूर पाकिस्तानी कवि है फहमदी रियाज, उनकी ये बहुत मशहूर कविता है, उसकी कुछ पंक्तियां, उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि हम पाकिस्तान का की जुड़वा बहन बनने जा रहे हैं। वो कहते हैं, वो कहती हैं, तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, अब तक कहां छुपे थे भाई, वह मूर्खता वह घामड़पन जिसमें हमने सदी गवाई, आखिर पहुंची द्वार तुम्हारे, अरे बधाई बहुत बधाई, भूत धर्म का नाच रहा है, सारे उल्टे काम करोगे, क्या हमने दुर्दशा बनाई, कुछ भी तुमको नजर ना। तो आखिर इनका एजेंडा क्या है? क्या वाकई ये एक हिंदू राष्ट्र चाहते? क्योंकि वाकई चाहते तो जैसे केरकर जी ने रखा कि उनको खुद भी हिंदुओं की चिंता नहीं। एजेंडा क्या? भाजपा जब सत्ता में आई तो वो चुनाव में उसने ये प्रचार नहीं किया था कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते। उन्होंने लोगों को अच्छे दिन, सबका साथ सबका विकास, यही सब नारे दिए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपीए ने देश को तबाह कर दिया है, काला धन बाहर गया है। ये नहीं कहा कि मुसलमानों का धन बाहर, ये कहा कि काला धन बाहर गया है, उसको हम वापस लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि गरीबी बढ़ रही है, बदहाली बढ़ रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और घोटाले हो रहे हैं, और हम इन सबके विकल्प में एक अच्छी सरकार, अच्छे दिन लाने वाली सरकार लेकर आए। सत्ता में आने के बाद वो सारी बातें भूल गए, वही एजेंडा जागतिकरण का, वैश्वीकरण का, जो यूपीए ने लागू किया था, उसी को जोर शोर से लागू कर रहे हैं। और जो नहीं कहा था चुनाव में कि हम ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसको लागू कर रहे हैं। तो पूरे दोनों पोजीशन उलट। बहुत सारे लोग जिनको उम्मीद थी कि मोदी शायद थोड़ा सेक्युलर फेस होगा, अब वो सारा नंगा हो चुका है, वो पूरा चेहरा, और उनकी असलियत सामने आ गई है कि एक तरफ वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन वो सारा कर रहे हैं उसको समझना हो कि क्यों कर रहे हैं, तो जो असली में कर रहे हैं उनकी आर्थिक नीतियां, उसका एक
लेखो जोखल है, बहुत एक संक्षिप्त ओवरव्यू, समय कम है तो मैं फास्ट रन थ्रू करने वाला हूं कि आखिर वो कर क्या रहे हैं, एक ब्रीफ समरी। ये बात हो चुकी है कि वो सिर्फ अमीरों के लिए देश चला रहे हैं और लाखों कोटि रुपया वो टैक्स माफी में वो अमीरों को दे रहे हैं। उसका आंकड़ा पिछले साल, मतलब हर साल पिछले साल का में कितनी छूट दी उसका आंकड़ा आता है, तो 2015-16 में उन्होंने आंकड़ा दिया है कि हमने 5.5 लाख कोटी की टैक्स माफी अमीरों, इस देश के अमीरों को दी। ये टैक्स माफी ऐसे देश में दी जा रही है जहां पर कि वैसे ही अमीरों से बहुत कम पैसा इकट्ठा किया जाता है, 18% इकट्ठा किया जाता है टैक्स टू जीडीपी रेशो, जो कि अफ्रीका के देशों से भी कम है जहां 27%। लेकिन इसके बावजूद, इतना टैक्स माफी देने के बावजूद, जेटली ने इस साल के बजट में कॉरपोरेट टैक्स कम किया है, जिसके चलते कि बड़ी कंपनियों को अगले 4 सालों में 2 लाख कोटी का फायदा होगा। एक और बहाना है अमीरों को पैसा ट्रांसफर करने का, उसको बोलते हैं पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें कि सरकार प्राइवेट कंपनी को ठेका देती है सड़क बनाने का, हवाई अड्डा बनाने का, वगैरह वगैरह, और न केवल ठेका देती है ऊपर से पैसे भी देती है, तुम पैसे लगाओ, नहीं हम भी थोड़ा देंगे, और कम नहीं देंगे, 40% दे देंगे। लेकिन इस बजट में जेटली ने कहा, अरे यार ये भी बहुत कम है, इसीलिए पैसे नहीं लग रहे, हम और देंगे सब्सिडी। घोषणा नहीं की है कितना परसेंट देंगे, लेकिन इतनी जरूर घोषणा की है कि 70,000 कोटी रुपए हम पीपीपी के नाम पर ट्रांसफर करेंगे प्राइवेट कंपनियों। बड़े बड़े प्रोजेक्ट, ये अफ्रीका कोट महत्वपूर्ण है, बड़ी कंपनियां सरकार से 40-50% सब्सिडी लेती हैं, बाकी पैसा भी अपनी जेब से नहीं डालती, वो पैसा बैंकों से लोन लेती है। रिजर्व बैंक का गवर्नर खुद कहता है, इन माई व्यू पीपीपी हैज रिमेन्ड अ पब्लिक ओनली वेंचर, मेरी राय में पीपीपी सिर्फ पब्लिक वेंचर है, उसे प्राइवेट है ही नहीं, पैसा डाला ही। बड़े बड़े प्रोजेक्ट घोषित हो रहे हैं, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन की बात करें बहुत संक्षेप में, मुंबई अहमदाबाद के बीच में बनाने की कोशिश है, बुलेट ट्रेन से कम छोटी कम रफ्तार वाली होती है हाई स्पीड ट्रेन, बुलेट ट्रेन की रफ्तार होगी 350 किलोमीटर, हाई स्पीड ट्रेन की रफ्तार होगी 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर की वो जो 300 किलोमीटर प्रति घंटे, मुंबई अहमदाबाद की दूरी 600 किलोमीटर है, तो रेलवे का अंदाज है कि उसपे हाई स्पीड रेल लाइन बिछाने में जो खर्चा आएगा उसमें मिनिमम टिकट 3,000 रुपए लगाना पड़ेगा, तब पैसे वापस आएंगे, 3,000 रुपए हवाई जहाज की टिकट बराबर है, तो कौन बुलेट ट्रेन में जाएगा उतना, ये हाई स्पीड ट्रेन में जाएगा और बुलेट ट्रेन उससे भी महंगी। तो फिर ये प्रोजेक्ट क्यों लेकर आ रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट जो दुनिया भर में विकसित देशों ने भी समाप्त कर दिए, ये प्रोजेक्ट इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि इस बहाने एक और बार बड़ी संख्या में इस देश का पैसा, जनता का पैसा पीपीपी के नाम पर बड़ी बड़ी इसमें जापानी कंपनी आएगी बुलेट ट्रेन बनाने में, उनकी जेब में ट्रांसफर किया जाए। भाजपा का एक और घोटाला, माइंस एंड मिनरल्स एक्ट, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऑक्शन जो है वो साफ सफाई से होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो भाजपा ने कानून बदला, लेकिन देखिए धूर्तता क्या की, कानून बदला लेकिन उसमें यह प्रावधान जोड़ दिया कि जो खदानें दी जा चुकी हैं उनका दोबारा ऑक्शन नहीं होगा, उन खदानों को इतने घाटे में दिया गया है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में और सिर्फ एक मिनरल कच्चा लोहा उसमें सरकार को 1.2 लाख कोटी का नुकसान, और इस तरह की 11,000 लीज देश भर में दी हुई है, अंदाज लगाइए कितने लाख कोटी इन्होंने अमीरों की जेब में ट्रांसफर कर दिए, ये उनका एक और बड़ा घोटाला। तो दूसरी तरफ ये कहते हुए कि सब्सिडीज बहुत ज्यादा है, देश के पास पैसा नहीं है, पैसा कहां से होगा, सारा गया अमीरों की जेब, ऐसे में और एक ऐसे देश में जिसमें जनता के ऊपर सरकारी खर्चा दुनिया में ज्यादातर देशों से कम है, हम अपना जीडीपी का सिर्फ 7% जनता पे खर्चा करते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य पानी वगैरह पर, दक्षिण अमेरिका के देश 18% जीडीपी का, उनका जीडीपी पर कैपिटा हमसे ज्यादा है,
तो अंदाज लगाइए, और यूरोपीय देश 30% खर्च करते हैं। तो जो देश, भारत जैसा देश जो दुनिया में अपनी जनता पर सबसे कम खर्चा करता है, उस देश में सरकार ने इस साल के बजट में बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर, बजट में आखिरी वाला कॉलम देखिए, 20-40% की कटौती की है। ये बजट में आया एक ऐसे देश में जिसमें 42% बच्चे पढ़ाई 8वीं तक पढ़ाई पूरी नहीं करते, जिसमें आधे से ज्यादा प्राइमरी स्कूल एक क्लासरूम वाले स्कूल हैं, जिनमें एक मास्टर एक क्लासरूम में 2 से ज्यादा कक्षाओं को पढ़ाता है, क्या पढ़ाई होती होगी, जहां पर आधे स्कूलों में लाइब्रेरी अस्पताल सॉरी लाइब्रेरी और ये बिजली वगैरह नहीं है। ऐसे देश में सरकार ने शिक्षा के बजट में 23% की कटौती की है, यहां तक कि मध्यान्ह भोजन के बजट में भी कटौती कर दी। तो बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते तो बच्चे काम पर जाते, और इसीलिए चाइल्ड लेबर एक्ट बदला जा रहा है। दशकों से जो लड़ाई चल रही है कि बच्चे स्कूल जाएं, उस कानून को बदल रहे हैं। ऐसे बेशर्म है, जिस देश में स्वास्थ्य बजट वैसे ही बहुत कम है, जो दुनिया में इस मामले में नंबर एक है कि यहां पर मलेरिया टीबी तमाम बीमारियों में सबसे ज्यादा लोग दुनिया में मरते हैं, बच्चे क्यूरेबल बीमारियों से लाखों की संख्या में, ऐसी बीमारियां जिनका इलाज हो सकता है, ऐसे देश में सरकार ने 16% स्वास्थ्य बजट में कटौती कर दी है। खुद वित्त मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय स्वीकारता है कि हर साल 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं क्योंकि वो अपने इलाज का खर्चा नहीं उठा सकते। प्रधानमंत्री एक ऐसा कैंपेन जिसको आपने सबने नाम सुना होगा, क्लीन इंडिया, कि पूरे देश में टॉयलेट बनाएंगे, सफाई करेंगे, शहरों की सफाई होगी, पीने का पानी उपलब्ध कराएंगे, उस बजट में इन लोगों ने 60% की कटौती कर दी। लेकिन क्लीन इंडिया के विज्ञापन कम नहीं हुए, बढ़ गए। एक ऐसे देश में जिसमें कि कृषि का संकट बढ़ता चले जा रहा है, जिसमें सरकारी आंकड़े हैं कि पिछले साल में यानी इस साल बीते साल में किसानों की आत्महत्याएं दुप्पट हो गई हैं, ऐसे देश में सरकार ने कृषि के बजट में कटौती कर दी है, और एक बेशर्म कृषि मंत्री राज्यसभा में जवाब देते हुए बोलता है कि लफड़ी के चलते ही आत्महत्याएं होती हैं। हर नारा, अब दूसरे मुद्दे की तरफ चलें, ये उनकी आंतरिक नीतियां थी। दूसरी तरफ भाजपा आरएसएस मोदी द्वारा दिया हुआ और उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में दिया हुआ हर किस्म का नारा उलट रहे हैं। सबका साथ सबका विकास नारा दिया, लेकिन सिर्फ अमीरों के लिए देश चला रहे हैं। स्वदेशी का नारा दिया, अब उसकी चर्चा करें कि ये स्वदेशी का नारा भी उलट रहे हैं, सिर्फ विदेशों के लिए, विदेशी कंपनियों के लिए देश चला रहे हैं। ये असली मामला है कि मोदी क्यों दुनिया भर में यात्राएं कर रहा है, देश को बेचा है। उनका असली एजेंडा है कि विदेशी कंपनियां भारत आए, और भारत में आएंगी तो वो क्यों आए, चीन और बांग्लादेश के बदले भारत में क्यों आए, तो ये उनको वायदा कर रहे हैं कि हम तुमको उससे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करेंगे, यानी तुम ज्यादा नफा कमाओगे। ये है मेक इन इंडिया के नारे की असलियत। सरकार एक पूरा अभियान चलाए हुए श्रम कानूनों के खिलाफ, ये कह रही है कि इन श्रम कानूनों के चलते रोजगार निर्मित नहीं हो रहे, जबकि आंकड़ा ये है कि पिछले 25 सालों में जब से ये विदेशी कंपनियां आना शुरू हुई हैं जागतिकरण के बाद, तो पहले यदि 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट में 150 रोजगार पैदा होते थे, तो अब 1000 करोड़ निवेश करने पर सिर्फ 27 रोजगार पैदा हो रहे हैं, यानी विदेशी कंपनियां रोजगार पैदा नहीं कर रही, रोजगार कम हो रहे हैं, क्योंकि मशीनीकरण ज्यादा है। और यही कारण है, एक तरफ ये हुआ और दूसरी तरफ श्रम कानूनों को ढीला करती चली गई है पहले वाली सरकारें, जिसका परिणाम यह है कि आज
कुल यदि 100 रोजगार हैं तो उनमें से 83 रोजगार कॉन्ट्रैक्ट और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं, सिर्फ 17 नौकरियां फैक्ट्रियों में हैं, और वो 17 नौकरियां जो फैक्ट्रियों में हैं उसमें से सिर्फ 4 नौकरियां रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की हैं प्राइवेट सेक्टर में। सिर्फ 100 में से 4 लोगों को प्राइवेट सेक्टर में फैक्ट्रियों में स्थायी रोजगार मिला हुआ है। कुल मिलाकर ये संख्या लगभग 1.5 करोड़ कामगारों की। तो जहां पर वैसे ही पिछले 25 सालों में रेगुलर कामगारों की संख्या इतनी कम हो गई है, ठेकेदार मजदूर पढ़ते चले गए हैं, ऐसे देश में सरकार विदेशी कंपनियों को और बुलाने के लिए श्रम कानूनों, जो बचे हुए श्रम कानून हैं, उन पर भी हल्ला बोल रही है ताकि कानून बदले जा रहे हैं। सूची वहां पर है कि सारे श्रम कानूनों को हटाकर कंपनियों को ये सुविधा दी जाए कि आप जब चाहे कारखाना बंद कर सकते हो, जब चाहे कामगारों को निकालकर दूसरे कामगारों को रख सकते हो, यानी सारे कामगार ठेके कामगार होंगे, 12 से 14 घंटे काम किया जाएगा, छुट्टी नहीं मिलेगी, सातों दिन 365 दिन जो आज चीन के कामगार काम करते हैं न्यूनतम वेतन में, हम चीन से स्पर्धा करके उसको हराएंगे, ये भारत सरकार अमीर कंपनियों को, विदेशी कंपनियों को वायदा करे। तो दूसरी तरफ उन कंपनियों को भारत में बुलाने के लिए सारे पर्यावरण के कानूनों को ढीला किया जा रहा है। एक पूरी सूची है कि कौन कौन से श्रम कानून, मैं समय भाव के चलते वो पढ़ नहीं रहा, एक पूरी सूची है कि ये कानून हम बदलेंगे। और यही कारण है कि बहुत बड़ी संख्या में जो दुनिया की सारी खतरनाक उद्योग है वो सब भारत आने लगे हैं, और अभी का आंकड़ा ये है कि रोज करीब 1000 कामगार को चोट लगती है या मरते हैं काम पर सेफ्टी इक्विपमेंट के अभाव में, ऑक्यूपेशनल डिजीजेस के चलते या चोट लगने के चलते, ये संख्या और बढ़ेगी। और फिर ये आप जानते ही हैं, लैंड एक्विजिशन एक्ट बदल रहे हैं ताकि आसानी से जमीन भी किसानों से हड़प ली जा सके, उनको हकाल कर वहां से, तो जमीन हड़पेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे कामगार रखेंगे, पर्यावरण का कोई ख्याल नहीं रखा जाएगा, तो विकास किसका होगा, क्या वो विकास हमको चाहिए क्या? सवाल ये है, ऐसा मेक इन इंडिया हमको चाहिए क्या? ये उनके मेक इन इंडिया की असलियत। अब एक दूसरी नीति जिस पर केरकर ने थोड़ी बात की, ये तो औद्योगिक नीतियां थी, उससे भयानक बात यह है कि पूरे वित्तीय क्षेत्र का खासगीकरण भाजपा सरकार, यूपीए सरकार भी करना चाहती थी लेकिन घबरा कर कर रहे थे, ये तो बेशर्म है, इन्होंने पूरा अभियान छेड़ दिया है। और यही कारण है कि संसद में इंश्योरेंस एक्ट पारित करा दिया, जो इंश्योरेंस एक्ट इस देश की जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं पब्लिक सेक्टर की, वो दुनिया की सबसे अच्छी कंपनियां मानी जाती हैं, आप आश्वस्त रह सकते हैं कि आपका क्लेम आपको मिल जाएगा। 97% LIC क्लेम सेटलमेंट करती है, दुनिया की कंपनियां नहीं करती, सिर्फ 40% का एवरेज है, यानी 60% क्लेम्स को वो रिजेक्ट कर देते हैं, LIC सिर्फ 3% क्लेम को रिजेक्ट करती है। ऐसी कंपनियों का खासगीकरण कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन कंपनियों के पास 40 लाख करोड़ का LIC के पास लाइफ फंड जमा है, एक बार खासगी होगी तो ये पैसा विदेशी उन कंपनियों के बारे में, यूएस सरकार बोलती है यूएस इंश्योरेंस कंपनियों के बारे में कि वो डकैत है, ये उनके शब्द सरकारी रिपोर्ट की, तो उन डकैतों को ये 40 लाख करोड़ रुपए सौंपे जा रहे हैं, ये इंश्योरेंस खासगीकरण का असली मामला है। तो दूसरी तरफ इंश्योरेंस नहीं, बैंकों का भी खासगीकरण हो रहा है, उसके बारे में पहले कदम इस बजट में उठाए गए हैं। आप जानते हैं बहुत सिंपल योजना है, बैंकों के घाटे बढ़ रहे हैं, NPA जिसको बोलते हैं, NPA है क्यों? क्योंकि उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों को लोन दिया है और वो लोन वापस नहीं हो रहे, लोन क्यों दिया और वापस क्यों नहीं हो रहे? पॉलिटिकल प्रेशर के चलते अभी तक बैंक डूबे नहीं, उसके लिए सरकार पैसे डाला करती थी, इसीलिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक डूबे नहीं, हालांकि वो अमीरों के लोन माफ कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो पैसा उनमें जमा है सरकार फिर हमारे ही आपके पैसे को बजट में इकट्ठा करके इन कंपनियों को देती,
अब सरकार ने इस साल के बजट में ये कह दिया है कि जो कमजोर बैंक हैं उनको सरकार पैसे नहीं देगी। कमजोर बैंक मतलब कौन से बैंक? वो बैंक जो कि सरकार की डायरेक्टिव्स को ईमानदारी से लागू कर रहे थे कि अमीरों को पैसे दो और माफ कर दो। तो जो बैंक ईमानदारी से लागू कर रहे थे उन बैंक्स को सरकार बोल रही है ये कमजोर बैंक्स हैं। इस साल के बजट में सरकार ने कहा है कि हम तुमको पैसे नहीं देंगे, अब तुम बाजार से पैसे उठाओ। यानी सरकार की होल्डिंग गिर जाएगी, बाजार से पैसे उठाएंगे का मतलब है धीरे धीरे खासगी हो जाएंगे। और ऊपर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कमेटी ने कहा है कि बैंकों के बोर्ड्स पर विदेशी सट्टे बाजारियों को बैठने की अनुमति दी जाए। नायक कमेटी की रिपोर्ट। तो मामला क्या है? मामला इतना ही है, बहुत सिंपल है। बैंकों के पास जनता के 50 लाख कोटी जमा है, थोड़े से करोड़ रुपए, क्योंकि एक्चुअल पूंजी बैंक की थोड़ी होती है ना, ये 50 लाख कोटी तो आपने डिपॉजिट किया हुआ है, बैंक की अपनी कैपिटल तो कुछ 100 कोटी है। तो 100 कोटी रुपया खर्च करके या 500 या 1000 कोटी रुपए खर्च करके इतने पैसे पर नियंत्रण हो जाएगा। और फिर अगली बारी जब 2008 जैसा संकट आएगा जिसमें कि दुनिया के तमाम बैंक बंद हुए और लोगों ने आत्महत्याएं की, अमीर देशों ने बैंकों को बंद होने से रोक दिया क्योंकि उन्होंने सरकारी पैसा डालकर उन प्राइवेट बैंक्स को वापस खड़ा कर दिया, हमारे देश की सरकार के पास तो पैसा है नहीं, ये बैंक डूबेंगे, तब क्या होगा? आप अंदाज लगाइए। एक ये अब परिस्थिति बनाने के कदम बढ़ाए जा रहे। तो दोस्तों ये है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, इसके परिणाम। इसके परिणाम ये है कि एक तरफ देश में गरीबी अभूतपूर्व रूप से बढ़ चुकी है, इसका आंकड़ा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे का आप जानते हैं, लेकिन यह आंकड़ा सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे नहीं देता है, यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक, एनएसएस सर्वे सभी का यह आंकड़ा है कि इस देश के 75% लोग बहुत गरीब हैं। तो उसके आसपास के लोग थोड़े गरीब हुए ना, कम गरीब हुए, तो मध्यम वर्ग का क्या? जिस मध्यम वर्ग के बारे में रोज अखबारों में आता है कि मध्यम वर्ग बढ़ता चले जा रहा है, तो मध्यम वर्ग के बारे में गोल्डमैन सैक्स, मैकिन्सी वगैरह की स्टडी है, उन्होंने मध्यम वर्ग को डिफाइन किया है, जो पीपीपी डॉलरिज्म है वो समझा नहीं रहा, $10 समझ लीजिए कि $10 प्रतिदिन से कम से ज्यादा जिनकी कमाई है 50, 60, 70 डॉलर तक, वो मध्यम वर्ग होगा। ये $10 कितना कम है आप अंदाज इससे लगा सकते हैं कि अमरीकी गरीबी रेखा $13 की है। तो इसको उन्होंने मध्यम वर्ग घोषित किया है और ये मध्यम वर्ग आबादी का सिर्फ 6% है, इतना छोटा मध्यम वर्ग बस। तो लगभग 90% पॉपुलेशन गरीब या कम गरीब है, लोअर मिडिल क्लास बोल सकते हैं, सिर्फ 6% आबादी मध्यम वर्ग है। और अमीरों की संख्या, ये ग्लोबलाइजेशन का असली मामला है, एक छोटी सी अमीर आबादी है। एक अखबार की रिपोर्ट कहती है भारत में अब्जावधियों की बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग बिलियनर्स इन इंडिया। 1990s में इस देश में 2 बिलियनर्स थे, अब उनकी संख्या 55 हो गई है, 20 सालों में 55 अब्जावधि हो गए। ऊपर की 1% आबादी के पास देश की जनता का 50%, इधर है बिलियनर्स की संख्या, ऊपर की 1% आबादी के पास कुल देश की संपत्ति का 50% उनके नियंत्रण में है, लेकिन यह भी अंडर एस्टिमेट है क्योंकि इसमें जो वो चोरी का पैसा बाहर ले गए वो शामिल नहीं है, ब्लैक मनी शामिल नहीं, वो आंकड़ा भी लगभग, अंदाज ये है कि कुछ सिर्फ 10 सालों में वो $350 billion विदेश में चुरा कर ले गए हैं। तो ये माइनस करके भी 1% आबादी के पास 50% संपत्ति है, तो दूसरी तरफ नीचे के 5% के पास 50% संपत्ति है। ये जो अमीरी गरीबी की बढ़ती खाई है, अधिकांश आबादी गरीब, थोड़े से अमीर, और उनकी अमीरी बहुत तेजी से बढ़ रही है, ये ग्लोबलाइजेशन का असली मामला है। वही लोग इस व्यवस्था पर नियंत्रण करते हैं
वही शिक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण करते हैं, वही मीडिया को कंट्रोल करते हैं, उन्हीं का प्रचार आप लोग सुनते हैं कि ये देश महासत्ता बनने जा रहा है। हाँ दोस्तों, भयंकर हालत। भाजपा के सत्ता में आने के बाद ये सही बात है कि इतने लोगों में निराशा फैली, बहुत लोगों में निराशा फैली। हमें से बहुत सारे लोगों को लगा कि जितनी तेजी से वो नीतियां लागू कर रहे हैं, पता नहीं इस देश का क्या होगा। यह भी सही है कि बहुत सारे बड़े बड़े आंदोलन हमने हारे। कुडम कुलम गजब का आंदोलन था, 70,000 लोग धरने पर बैठे, हार गए। भोपाल के साथी लड़ते चले जा रहे हैं, लड़ते चले जा रहे हैं, कोई आशा की किरण नहीं दिखती। कई कानून जो हमने जीते थे, महिलाओं के बारे में, पर्यावरण के बारे में, श्रम के बारे में, वो सब रोल बैक किए जा रहे हैं। और अभी दुनिया में बहुत बड़ी हार हुई है ग्रीस में, तो फिर उम्मीद कहां से है? क्यों लड़ा जाए? उम्मीद यहां से आएगी यदि आप पीछे देखेंगे, इतिहास की ओर देखेंगे। होप कहा जाता है, होप एंड हिस्ट्री आर ट्विन सिस्टर्स। होप, यदि हम होप को माने उम्मीद, तो उम्मीद और इतिहास जुड़वा बहने। यदि आप इतिहास की तरफ देखेंगे तो उम्मीद पैदा होगी। हम इससे भी बहुत बुरी हालत में पहले रहे हैं, बहुत डिप्रेसिंग हालत में रहे हैं, लेकिन लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी। कल्पना कीजिए गुलामी का काल, जब लाखों अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाकर दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका ले जा रहे थे। उन गुलामों पर क्या बीत रही होगी? वो न मीटिंग कर सकते थे जैसे हम कर रहे हैं कि संगठन बनाए जाए, साथ नहीं आ सक रहे। उनके मालिक उनको जरूरत पड़ने पर जान से मार डाल करते थे, और ऐसे में उनमें से न जाने कितने लोग जब जहाज में ले जाते थे तो समुद्र में कूद कूद कर आत्महत्या उन्होंने की। जब बंड किया, एक कहानी बताएं, 1811 में अमेरिका में सबसे बड़ा स्लेव रिवोल्ट हुआ था न्यू ऑर्लियंस नाम के शहर में, तो वहां पर उसको कुचल कर उन सारे बगावतियों के सर धड़ से अलग करके उनको डंडों पर उनके सिर लगा दिए गए थे समुद्र के किनारे, और वो डंडे स्पाइक्स अंग्रेजी में है, क्या बोलेंगे, डंडे ही बोलेंगे, उन डंडों की कतार 90 किलोमीटर लंबी थी। इतने लोगों के सर काटकर उन्होंने स्पाइक्स पर लगा दिए, लेकिन उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, काले लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी, पूरी तरह से नहीं कुछ ले गए। और यही कारण है कि जब लिंकन ने स्लेवरी के खिलाफ सेना गठित की तो उसी राज्य में से, लुइसियाना राज्य में से, सबसे ज्यादा काले लोग भागकर सेना में शामिल हुए। 28,000 काले लोग उस सेना में शामिल हुए और उन्होंने गुलामी का अंत किया। जीते, गुलामी समाप्त हुई, लेकिन पूर्ण जीत नहीं। कुछ जीत हुई, कुछ हार हुई, जिसके बारे में हॉवर्ड फास्ट ने अपने बहुत सुंदर उपन्यास मुक्ति मार्ग फ्रीडम रोड जरूर पढ़िए, उसमें उन्होंने उसका वर्णन किया है। संघर्ष चलता रहा, रेसिज्म के खिलाफ संघर्ष चलता रहा, 100 साल तक चलता रहा, फिर 100 साल, फिर निराशा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, काले लोगों का वो एकदम शानदार लेजेंडरी नेता, उसने एक मार्च निकाला था सेल्मा से वॉशिंगटन। वॉशिंगटन पहुंचकर, वॉशिंगटन डीसी नहीं, वॉशिंगटन पहुंचकर उसने अपने भाषण में ये सवाल उठाया कि लोग मेरे से पूछते हैं कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा कि इंसान की नजरों में जो ये पूर्वाग्रह बैठा हुआ है, जो उनकी समझदारी को काला कर रहा है और न्याय की देवी को उसके सिंहासन से भगा रहा है, वापस
इस न्याय को पाने में कितना साल लगेगा, लोग मेरे से ये पूछते हैं। और किंग ने एक लंबा जवाब दिया, शुरुआत तो नहीं की, ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन फिर अपने पूरे भाषण में उन्होंने समझाया, उनका एक इमॉर्टल क्या बोलेंगे अमर कथन है, गजब का है, नैतिक आर्क समझते हैं ना कमान, वो रेनबो इसीलिए बनाया गया था। आर्थिक नैतिक विश्व की कमान बहुत लंबी होती है, लेकिन अंततः न्याय की ओर चलती है। तीन साल बाद मार्टिन लूथर किंग की हत्या हुई। हर काले स्लम में अमेरिका में बंद हुआ, संघर्ष चलता रहा, फिर रेसिज्म कम हुआ, यहां तक कि इस बार गोरे लोगों ने भी ओबामा को वोट दिया, तभी वो जीता। ये अलग बात है कि ओबामा भी काला ब्राह्मण निकला। तो दोस्तों, रेसिज्म है अमेरिका आज भी है। पुलिस जो अखबारों में खबरें आती काले लोगों को गोली मार दी गई पुलिस वालों द्वारा, ये उसका सबूत है। लेकिन संघर्ष जारी, खत्म नहीं हुआ, लेकिन वही नहीं है जहां पर हम 200 साल पहले। तो हां, दुनिया बदलती है, जो कमान है उसका उसको यदि आप कभी कभी देखें, तो कमान छोटी होगी तो तुरंत ही दिख जाती है ना कि कमान झुक रही, लेकिन कभी कभी यदि कमान बहुत लंबी होती है तो एक हिस्सा देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो झुक रहा है कि नहीं। ऐसे में वो झुक रहा है कि नहीं झुक रहा है, भी आपको समझना है तो आप पीछे देखिए कि वो कर्व कहां से शुरू हो रहा है और कहां आ रहा है, तो आपको दिखेगा कि वो कर्व है, और यदि वहां से होकर यहां आया है तो न्याय की ओर झुकेगा भी। यही किंग कहना चाहते हैं। एक और उदाहरण लें हमारे देश का, दलितों के संघर्ष का, उसका तो और भी लंबा इतिहास है, क्योंकि हमारे यहां जाति प्रथा और भी पुरानी है, लेकिन तब भी उम्मीद खत्म नहीं हुई। फूले, पेरियार, नारायण गुरु, अंबेडकर, कितने लोगों ने संघर्ष की नींव रखी, उसको आगे बढ़ाया। 150 साल बाद आज भी इस देश में ये ठीक बात है कि जातिवाद, ये घिनौना नहीं लगता कि हम एक दूसरे को जाति के रूप में पहचानते हैं। आज भी जब हम मीटिंग में बात करते हैं तो लोग बोलते हैं जाति शहरों में खत्म, इतना ही करना है कि अखबार उठाइए, मैट्रिमोनियल कॉलम खोल दीजिए, समझ में आ जाएगा कि जाति खत्म है। एक पुरोगामी शादी हुई, उसमें सेलिब्रेशन किया गया कि इंटरकास्ट मैरिज है, तो एक विशेष ब्राह्मण था, दूसरा कायस्थ था। हर लोकायत के कार्यकर्ता, पहले माँ बाप से झगड़ा करना पड़ता है कि लोकायत में जाए कि ना जाए, हर कार्यकर्ता का, एक भी माँ बाप नहीं है जिसने कहा हो कि चले जाए। झगड़ा होता है तो माँ बाप अपने मान जाते हैं कि लोकायत में जाओ, लेकिन अंतिम मामला फिर भी यही कहते हैं कि बेटे शादी, बेटे या बेटी शादी करना तो जान। तो जाती है, लेकिन क्या हम वही है जहां पर 150 साल पहले थे? जब खड़ा होता है, जब खैरलांजी होता है तो गुस्से में आता है, लगता है कि हाँ वही थे, लेकिन नहीं। यह भी सही बात है कि जातिवाद कम हुआ है, शहरों में ज्यादा कम हुआ है, गांव में थोड़ा कम कम हुआ है, कानून बने हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए, इतने सारे दलित बच्चे कॉलेजों में पढ़ते हैं, इतने सारे दलित स्कॉलर्स हैं, कुछ अंतर जातीय विवाह भी हो रहे हैं, जाति वही नहीं है जहां पहले। तो मतलब मैं कहना चाहता था चीजें बदलती, हर मुद्दे पे देख लीजिए, पैट्रियार्की का संघर्ष देख लीजिए, डेमोक्रेसी का संघर्ष देख लीजिए, कामगारों के अधिकारों का संघर्ष देख लीजिए, हर संघर्ष की यही कहानी है, लोग संघर्ष करते हैं, कुछ जीते मिलती हैं, कुछ हारे मिलती हैं, लेकिन कुल मिलाकर हम आगे जाते। लेकिन मैं कुछ और कहना चाहता,
ये उम्मीद होप की एक परिभाषा है। होप जो इंग्लिश का शब्द है उसका एक मतलब है उम्मीद, यानी आशावाद। और यदि होप नहीं है तो उसका उल्टा क्या होगा? निराशावाद। तो मेरी जो परिभाषा है उम्मीद की, मैं उसको इस आशावाद और निराशावाद में नहीं फंसा के रखना। मैं दूसरी परिभाषा पसंद करता हूं जो इस तरह से न सोचे, इन शब्दों के अर्थों में न सोचे। मेरी होप ही उम्मीद की, उम्मीद मतलब आशावाद नहीं, बात समझ आ रही है? तो मेरी जो उम्मीद की परिभाषा है, मेरी जो होप की परिभाषा है वो ये है कि होप का मतलब है संघर्ष करना, होप का मतलब है संघर्ष को एंजॉय करना, होप का मतलब है भविष्य की अनिश्चितता को एंजॉय करना कि हाँ क्या होगा हम नहीं जानते। होप का मतलब है कि आप भविष्य को, मतलब एक पूरा मान लीजिए कि एक गूढ़ रहस्य है कि आगे क्या होगा हम नहीं जानते, कुछ भी हो सकता है। यानी मेरी होप की परिभाषा है अंधेरे में देखना कि बहुत संभावनाएं हैं, पता नहीं क्या होगा, कोई बात नहीं, लड़ा जाओ। जैसे कि अंबेडकर आईआईटी मद्रास के विद्यार्थी लड़े, वो नहीं जानते थे कि रातों रात जीत जाएंगे, लेकिन लड़े। आज एफटीआई के विद्यार्थी लड़ रहे, इतनी जबरदस्त लड़ाई लड़ रहे, एबीवीपी उनके खिलाफ मोर्चे निकालती है, उनके खिलाफ फर्जी केस फाइल किए गए हैं, लेकिन तब भी देश भर में नेटवर्क बना रखा है, पीसीओ शहर में उनके समर्थन में मोर्चे निकल रहे हैं, उम्मीद नहीं छोड़ती। ये वो उम्मीद है, वो नहीं जानते कि जीतेंगे कि हारेंगे, लेकिन लड़े। हम भी उनके समर्थन में धरना दे रहे हैं 30 जुलाई को, आप सभी आमंत्रित। कभी कभी छोटे प्रयास बहुत बड़े आंदोलन को जन्म दे सकते हैं। कुडकुलम इसी का किस्सा है। उदय कुमार नहीं जानते थे कि इतना बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, वो तो ढंग का भाषण भी देना नहीं जानते थे। वो हर सप्ताह शनिवार के दिन अलग अलग गांव में जाकर अणु ऊर्जा के खिलाफ अभियान चलाते। तो एक दिन उन्होंने फुकुशिमा आघात के बाद भूख हड़ताल का कॉल दिया। इतने लोग इकट्ठा हो गए कि उनकी सिट्टी पिट्टी खूब हो गई। अरे इतने लोग कितने लोग भूख हड़ताल में बैठोगे, तो 150 लोगों ने नाम दे दिए। और वहां से वो आंदोलन की शुरुआत हुई जो ऐतिहासिक आंदोलन बन गया। तो दोस्तों कभी कभी एक कॉल कि चलो भूख हड़ताल में बैठा जाए, गजब की आंदोलन खड़ा कर सकता। एक और उदाहरण, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मालूम कैसे शुरू हुआ था? 30 लोग थे जिन्होंने वॉल स्ट्रीट के बाजू में मीटिंग की थी, एक अपार्टमेंट में, बीवर नाम का अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है, उसमें मीटिंग की 30 लोगों ने और कहा यार भयंकर हो रहा है, चलो एक पार्क है जुकोटी पार्क, वहां पर एक धरना दिया था। पता नहीं बात कैसे फैली और एक इतना गजब का आंदोलन खड़ा हो गया जो हजारों शहरों में दुनिया के लगभग सारे कॉन्टिनेंट्स में फैल गया। वो थोड़ी जानते थे कि उनका वो कॉल वहां तक फैल जाए। उसके बाद उतना फैलने के बाद फिर अब आंदोलन ठंडा पड़ गया। तो यदि हम उस तरह से सोचे तो जब आंदोलन ऊपर जा रहा था तो हम आशावादी हो जाएंगे, और जब आंदोलन नीचे आएगा तो हम निराश हो जाएंगे। दोस्तों जीतना या हारना ऐसा कुछ जिंदगी में नहीं होता। अब क्या बोलो, न्यू ऑर्लियंस के वो ब्लैक्स जिन्होंने 1811 में वो बंड किया, क्या वो हारे या जीते? आधुनिक आदमी अमेरिका में राजगद्दी पर बैठे, लेकिन वो भी वही नहीं कर रहा जो हम चाहते हैं, तो हारे की जीत। महात्मा फूले हारे की जीते, खड़ा देखेंगे तो लगेगा पता नहीं, लेकिन और भी कई घटनाएं जिससे लगेगा कि नहीं बात वही नहीं है। तो यानी मैं कहना ये चाहता था, ये हार जीत का प्रश्न थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, उस
तरह से नहीं सोचना चाहिए, जिंदगी को वैसे नहीं देखा जाना चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति, सारे क्रांतिकारियों ने एक दूसरे को मार डाला, अंत में तानाशाही आ गई, नेपोलियनिक तानाशाही। तो क्या वो आंदोलन असफल हो गया? लेकिन एक सच्चाई है कि उसके बाद फ्रांस में कभी राजशाही वापस नहीं आई। दूसरी सच्चाई है कि फ्रांस की वो तानाशाह की सेनाओं ने जो भांडवलशाही का विस्तार किया पूरे यूरोप में, उसके चलते जर्मनी में उसका जो असर हुआ, उसके जो विचार फैले, उसने दो नौजवानों को का निर्माण किया जिन्होंने दुनिया का भांडवलशाही विरोधी सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा किया, मार्क्स और एंगेल्स। तो इन अर्थों में एक आंदोलन कभी खत्म नहीं, ऑक्यूपाई मूवमेंट खत्म नहीं हुआ है, सुलग रहा है। पहला बड़ा आंदोलन जो भांडवलशाही के खिलाफ आंदोलन था, जिसने सीधे भांडवलशाही को चुनौती दी, निश्चित तौर पे लोग उससे सबक लेंगे और आने वाले दिनों में शायद उससे और भी बड़े आंदोलन खड़े। अरब स्प्रिंग, अरब देशों में जो पूरे आंदोलन फैले, तानाशाहियां टूटी, लोगों को लगता है हार हो गई, कैसे मान लिया जाए? अरब लोग क्या सोच रहे हैं, क्या हम और आप जानते हैं? क्या हम जानते थे कि अरब स्प्रिंग होगी, कि हम अभी ये मान लेंगे हार हो गई? ग्रीस, ये ठीक बात है कि हार हुई है, ये ठीक बात है कि सिप्रास और सिरिजा ने सरेंडर किया है, उनको असल में थियोरेटिकली उनकी पोजीशंस बहुत कमजोर थी, वो मानकर चल रहे थे कि यदि सारी ग्रीक जनता उनका साथ देगी तो यूरोप के जर्मनी और फ्रांस और इंग्लैंड के भांडवलदार जनता के, ग्रीक जनता के दबाव के सामने आकर शर्तें लगाना कम कर देंगे। लेकिन उन डकैतों ने ऐसा नहीं किया और ऐसे में सिप्रास को समझ नहीं आया कि आ करे, वहां का जो फाइनेंस मिनिस्टर था यानिस वर्कोफैकिस, उसने वैकल्पिक योजना दी थी ग्रीक कैबिनेट को कि इनकी बात मत मानो, बैंक ऑफ ग्रीस का राष्ट्रीयकरण करो, वैकल्पिक मुद्रा जारी करो और देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन कैबिनेट में हिम्मत नहीं हुई और ग्रीस ने सरेंडर बोल दिया। चलो हार हो, इस बार हारे, लेकिन लोग सबक लेंगे ना, लोगों पे भरोसा क्यों ना किया जाए। और उनके पास फिर यानिस वर्कोफैकिस जैसे नेता भी हैं जो शासन कलंक करेंगे। जैसे जैसे नीतियां लागू होगी और संकट गहराएगा, हो सकता है ग्रीक में दोबारा आंदोलन खड़ा हो जाए ग्रीस में, या हो सकता है उस आंदोलन से सबक लेकर बाजू वाले पोर्चुगल में और स्पेन में उससे बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाए। कौन जाने इतिहास में क्या होता है, कौन जाने आगे क्या होगा, यही तो होप की बात है ना। यानी हमारा कहना है कि यह जो अनिश्चितता है इसको एंजॉय किया जाए, इसका मजा ले। कभी कभी हम जो बीज बोते हैं जर्मिनेट नहीं होते, पौधा नहीं निकलता। हेनरी थोरियो नाम के बहुत गजब के फिलोसफर थे, वो बहुत बड़ी बहुत सारी किताबें लिखी और उनका एक कथन है कि मेरी लाइब्रेरी में 900 किताबें हैं, उनमें से 700 मेरी है क्योंकि कोई भी किताबें खरीदता है। थोरियो मरे अनजान, दुनिया में कोई नाम नहीं, लेकिन 50 साल बाद उन्हीं के विचारों को पढ़कर गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में आंदोलन खड़ा किया और फिर भारत को आजादी दी। उन्हीं के विचारों को पढ़के और गांधी के विचारों को पढ़कर मार्टिन लूथर किंग ने अपने सबक निकाले और अमेरिका का रेसिज्म विरोधी सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा किया। तो थोरियो को खत लेकर बोला जाता कि भाई निराश होने की जरूरत नहीं, तुम बहुत सफल हो, लेकिन वो तो गए, है ना। तो लेकिन मैं आशावाद की उम्मीद नहीं जगाना चाहता। मेरा यह भी कहना है कि हर पुस्तक का वो परिणाम होगा जो थोरियो का हुआ, जरूरी नहीं है। कुछ का परिणाम होगा, कुछ का नहीं होगा। कुछ आंदोलन आगे जाएंगे, कुछ नहीं जाएंगे। कुछ छोटे छोटे एक्शंस बड़े आंदोलन खड़ा कर देंगे। हाँ, कभी कभी आप जो चाहते हैं वो एकदम ही कुछ और हो जाता है, आपकी प्लानिंग कुछ और होती है, होता कुछ और है। एक किस्सा बताएं, लुई आर्मस्ट्रांग, अमेरिका के एक गजब के जैज, खत्म हो रहा है, लुई आर्मस्ट्रांग
अमेरिका के एक गजब के जैज सिंगर थे, दुनिया भर में नाम, वो रेसिज्म के खिलाफ आंदोलन के सिंपथाइजर थे, एक्टिविस्ट नहीं, समर्थन करते थे लेकिन कभी किसी मोर्चे में नहीं गए, और अपना ट्रम्पेट और वगैरह गिटार बजाते थे, जीनियस थे। उनके गाने को सुनकर एक काला युवक, उसका नाम था चार्ल्स ब्लैक, उसको समझ में आया कि अरे काले लोग भी इतने जीनियस हो सकते हैं। और ऐसे में रंगभेद के बारे में उसको जो बताया गया था कि काले लोग एकदम ननायक होते हैं, निकृष्ट होते हैं, उसका नजरिया बदल गया। और उसके बाद वो बड़ा हुआ, वकील बना और अमेरिका का सबसे मशहूर सिविल राइट्स लॉयर बना। उसने अमेरिका में वो ऐतिहासिक केस लड़ा सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला दिया, और उसके बाद सिविल राइट्स मूवमेंट की मार्टिन लूथर किंग के आंदोलन की नींव रखी। लुई आर्मस्ट्रांग जब गाना गा रहा था तो उसको क्या मालूम कि 20 साल बाद उसके गाने का ये परिणाम होगा, तो इसलिए गाना नहीं गा रहा था। तो ये मेरी नजरिए में उम्मीद का ये अर्थ है, ये पहचानना कि शायद कोई एक इंस्ट्रूमेंट बज रहा हो जिससे कि 20 साल बाद उतनी जबरदस्त जीत होगी सुप्रीम कोर्ट में। इस बात को पहचानना कि यदि सड़क पर एक हमारा कार्यकर्ता कैसे आया, श्रीकांत, सड़क पे पत्रक पड़ा हुआ था लोकायत का, उसको उठाया, देखा, अरे बड़ा अच्छा पत्रक है, पहुंच गया लोकायत, आज बहुत सक्रिय है। अभिजीत एक प्रोफेसर अभिजीत एक पत्रक बांट रहे थे अंबेडकर जयंती पर, सतीश एक कार्यकर्ता ने उनको देखा, बोला ये प्रोफेसर एक पत्रक बांट सकता है तो चलो मेरे को भी देखना चाहिए, वो भी आ गए। अभिजीत कैसे आए, हमने एक फिल्म फेस्टिवल किया उसमें ऋषिकेश आए, ऋषिकेश अभिजीत के दोस्त थे, फिर अभिजीत आए, अभिजीत आए तो उसके बाद बहुत सारे विद्यार्थी आए। एक हमारी कार्यकर्ती है, उसने आज से 30 साल पहले अपने कॉलेज में एक पोस्टर एग्जीबिशन देखा महिलाओं के विषय पर, और उसके बाद धीरे धीरे वो आंदोलन में शामिल हो गई, अलका जोशी, जो 30 साल बाद इसने वो फाइट कर ली। लेकिन हर सड़क पे पड़ा हुआ पत्रक तो श्रीकांत को नहीं लेकर आएगा ना, हर पोस्टर एग्जीबिशन के चलते अलका जैसी कार्यकर्ती आंदोलन में नहीं आई, आप पत्रक बांट रहे हैं उसके चलते सतीश जैसा कार्यकर्ता नहीं आएगा। हाँ, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये उम्मीद का ये कंसेप्ट ना, इसको पकड़ में आना मुश्किल है, जैसे अभी कदम जी बोले नहीं नहीं जीते, क्योंकि हमको बचपन से यही सिखाया गया, क्यों पढ़ो, क्योंकि नौकरी मिले। हम इसलिए नहीं पढ़ते कि हमको ज्ञान प्राप्त करना है, कि हमको दुनिया की वो खूबसूरत किताबें पढ़नी है जो अभी तक हमने कभी नहीं उनके बारे में सुना भी नहीं था, अपटन सिंक्लेयर, गॉर्की और हेमिंग्वे। हम दुनिया की मिस्ट्री जानने के लिए नहीं पढ़ते, हम पढ़ते क्यों हैं, नौकरी कैसे मिले, हम काम क्यों करते हैं, क्योंकि पैसे कमाए। हमारे कार्यकर्ता बड़ी मेहनत करते हैं लोकायत में, लोगों को लगता है जरूर इनको पैसे मिल रहे, जब उनको ये लगता है कि नहीं इनको पैसे नहीं मिले तो फिर उनके उनको लगता है लोगों को कि जरूर इस लोकायत के पीछे कुछ लोग हैं जो इन बच्चों को दौड़ा रहे हैं, खूब काम करा रहे, खटा रहे, ताकि उनका अपना फायदा हो सके। अब देखिए ये पूंजीवादी मानसिकता कि हर चीज इसलिए की जाए कि अपना फायदा हो या कुछ फायदा हो, ये इतनी गहराई में आ जाती है कि हमारी जो नेचुरल फीलिंग्स हैं कोऑपरेशन की, सहयोग की, भरोसे की, प्यार की, प्यार मतलब बिना एक्सपेक्टेशन का प्यार, जैसे हम आपस में सारे लोकायत के साथी एक दूसरे को खूब प्यार करते हैं लेकिन उम्मीद के साथ नहीं करते, प्यार करते हैं हम, ये पूरा इंजॉय करते हैं काम करना लेकिन किसी उम्मीद के साथ नहीं, ये जो हाँ बड़ी मेहनत। इस वार्षिक सभा के लिए पिछले एक महीने से बहुत सारे साथी 20-20 घंटा रोज काम किए हैं, हाँ अपनी नौकरियां छोड़ी, नौकरियां के बाद समप किया, रिपोर्ट्स लेके न जाने क्या क्या किया, ऊपर से आलोचनाएं भी हुई, क्यों किया, किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला, ये रिपोर्ट्स पढ़ी गई, इनाम तो कुछ नहीं मिले,
तो क्यों किया? क्योंकि हमने अपने दिमाग के ऊपर जो पूंजीवादी पकड़ है, जकड़ है, उसको फेंक दिया और हम काम करते हैं मजे के। तो दोस्तों, हम जब काम करते हैं पूरी उम्मीद के साथ, उम्मीद आशावाद नहीं, उम्मीद उस वो उम्मीद जो ना आशावाद में फंसती है ना निराशावाद में फंसती है, वो उम्मीद कि हाँ हम अपने काम को एंजॉय करते हैं और उस उम्मीद के साथ हम अपने प्रयास जारी रखेंगे। आगे का रास्ता क्या है हम नहीं जानते, ये दुनिया आगे कैसे जाएगी ये भी हम नहीं जानते। हम तो बल्कि ये भी नहीं क्लेम करते कि हम दुनिया बदलेंगे। हमने जब शुरू किया वो क्या मालूम था कि हम यहां तक पहुंचेंगे, इतनी भरी सभा होगी, 9:45 भी हॉल भरा हुआ है, सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन की है, ये क्या होगा ये भी हम नहीं जानते। लेकिन हम अपने प्रयास जारी नाचते गाते, गिटार बजाते, कीबोर्ड बजाते, तफली बजाते, आपने वो सब सांस्कृतिक कार्यक्रमों में देखा, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए आपस में प्यार करते हुए हम अपने रास्ते पर चलते चले जाएंगे।